हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ क्लास नंबर 44th ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज। ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज में हम जर्मन ज्योग्राफर्स पढ़ रहे थे। जर्मन ज्योग्राफर्स में आज हम पढ़ेंगे एल्ब्रेस्ट पैंक के बारे में। कंफ्यूज मत होना, एक वोल्थर पैंक है और एक एल्ब्रेस्ट पैंक है। जो आप डब्ल्यू एम डेविस के साथ कंपेयर करते हो ना पैंक की, वो पैंक इनके बेटे हैं, एल्ब्रेस्ट पैंक के बेटे हैं, वोल्थर पैंक। तो हम उनकी कंपेयर करते हैं। जब डब्ल्यू एम डेविस का साइकिल पढ़ते हैं ना, इरोजनल साइकिल, ठीक है, वहाँ पर हम एक साइकिल फिर और पढ़ते हैं, उस वो पढ़ते हैं वोल्थर पैंक का। तो लेकिन आज हम उनके पिताजी के बारे में बात करेंगे, एल्ब्रेस्ट पैंक का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है जी। तो अगर एल्ब्रेस्ट पैंक की बात करें तो एक तो याद रखना जर्मन ज्योग्राफर है, क्योंकि हम जर्मन स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है जर्मन ज्योग्राफर है। सेकंड, फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये पॉइंट याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट को क्या है, फॉर्मुलेट किया। ये क्या है, ट्रेंड थे किस में, जियोलॉजी में, ठीक है। इनका इंटरेस्ट किस में था, जियोलॉजी में। जब ये छोटे से थे तो इनका इंटरेस्ट किस में जागा, जियोलॉजी में। और ये एसोसिएट थे किसके साथ, एडवर्ड स्वेस से। जब आप इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हो ना, ठीक है, सियाल सीमा नीफे, नाम सुने हैं, सियाल सीमा नीफे, ठीक। सियाल का मतलब सिलिका एलुमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, निकिल फेरियम, ठीक है, निकिल फेरियम। तो जो लेयर्स हैं अर्थ के इंटीरियर की, तो ये एडवर्ड स्वेस ने ही डिफाइन की थी, यहाँ पर डिवाइडेड की थी। और एडवर्ड स्वेस की बात करें तो ये भी जियोलॉजिस्ट थे, कहाँ के, ऑस्ट्रिया के। ये छोटी छोटी बातें आप लिख लिया करो, ठीक है। ये ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट। एंड एक इम्पोर्टेंट बात इनके बारे में एडवर्ड स्वेस के और बता दें, जब आपने पेंजिया पढ़ा है ना, पेंजिया, ठीक है, पढ़ा है, दो पार्ट में डिवाइड किया, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड बीच में क्या था, बीच में टैथिसी था, याद है ना सारी बातें, टैथिसी। तो ये गोंडवाना लैंड और टैथिसी पर जोर किसने दिया था, ये भी एडवर्ड स्वेस ने दिया था, ठीक है। एडवर्ड स्वेस ने क्या है, प्रिपेयर्ड किए मैप्स, मेजर जियोलॉजिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये कुछ एडवर्ड स्वेस के बारे में भी हमने लगे हाथ जानकारी यहाँ पर दे दी, ठीक है। एल्ब्रेस्ट पैंक का पता लगा, जर्मन ज्योग्राफर, उन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट को फॉर्मुलेट किया, जियोलॉजी में ट्रेंड थे, एडवर्ड स्वेस के साथ एसोसिएट थे। He founded the principles of landform evaluation and showed how the systematic study of features can be approached from the chorological point of view. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने हेटनर पढ़े थे, कौन पढ़े थे, हेटनर साहब के बारे में पढ़ा था, वो भी किससे, कोरोलॉजी से रिलेटेड थे, रीजन्स की स्टडी से, एरिया की स्टडी से। तो इन्होंने भी क्या किया, कौन से प्रिंसिपल फाउंड किए, लैंडफॉर्म इवेल्युएशन से रिलेटेड, और इनकी सिस्टमेटिक स्टडी की जो भी फीचर्स थे, ठीक है, और इनका झुकाव किसकी तरफ था, इन्होंने रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इनको फिजिकल फीचर्स को अप्रोच किया था। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। ध्यान रखना है किस, ये क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे, लैंडफॉर्म के इवेल्युएशन से रिलेटेड प्रिंसिपल दिए, ठीक है ना। 1910 की बात है, पैंक ने क्या है, फॉर्मुलेट की एक हाइपोथेसिस, किससे रिलेटेड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स इवन वेयर द मेट्रोलॉजिकल डेटा आर नॉट अवेलेबल। तो उन्होंने जो क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन था, किसकी हेल्प से, लैंडफॉर्म के अध्ययन की हेल्प से किया था, ठीक है। तो उस पर एक हाइपोथेसिस बनाई थी, ठीक। ही वॉज द फर्स्ट टू पॉइंट आउट द इवोपोरेशन इंक्रीज विद हायर टेम्परेचर। उन्होंने बोला जिस जगह का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर इवोपोरेशन भी
क्या होगा? ज्यादा होगा। किसने बोली ये बात? ये बात बोली किसने? एल्ब्रेस्ट पैंक ने। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखना, ये पॉइंट्स काम आएंगे। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे। आप देखिए, ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट डैट इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन रेनफॉल ऑफ अ प्लेस एंड रन ऑफ प्लस इवोपरेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर। जैसा कि हमने बताया है कि जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा और वहाँ का इवोपरेशन भी ज़्यादा, ठीक है, इन्होंने फिर डिफरेंस बताया किस में, किसी एक स्थान की रेनफॉल में एंड वहाँ का जो रन ऑफ है या इवोपरेशन बोल सकते हैं, वो किस पर? प्रिवेलिंग टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इन्होंने क्या किया, मैन को इम्पोर्टेंट एजेंट माना, ठीक है, मैन को क्या है? एक्टिव एजेंट माना, जो क्या है? अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या है? पृथ्वी का यूज़ कर सकता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए इन्होंने एक लाइन बोली थी, ही कंसिडर्ड मैन एज एन इम्पोर्टेंट एजेंट हु कास आउट द फेस ऑफ द अर्थ। तो इन्होंने क्या है, एक तरह से यहाँ पर जो हम डायकोटोमी, ड्यूअलिज्म एंड डायकोटोमी आगे पढ़ेंगे ना, उसमें डिटर्मिनिस्ट अप्रोच, पॉसिबिलिस्ट, तो पॉसिबिलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, तो इनका झुकाव किधर था? पॉसिबिलिज्म की तरफ हो गया ना, क्योंकि इन्होंने मैन को क्या है? एक्टिव एजेंट बताया है, जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अर्थ को यूज़ कर सकता है। ठीक है जी, टोपोग्राफिकल मैप का आइडिया भी इनके द्वारा ही रखा गया। ठीक, कुछ फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स आप याद रखना, आगे भी काम आएंगे। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। टोपोग्राफिकल मैप क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए एक मील है, एक मील को आपको प्रदर्शित करना है, तो आप क्या है, इसको वन इंच से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, वन इंच टू वन माइल, या फिर यहाँ पर मेजर रिलीफ फीचर्स, वाटर बॉडी, वेजिटेशन, ये आप इससे शो कर सकते हैं टोपोग्राफिकल मैप से। ठीक है, इसका आइडिया भी किसने? एल्ब्रेस्ट पैंक ने ही यहाँ पर रखा था। पैंक ने इंट्रोड्यूस की एक टर्म, इस टर्म को याद रखना, जेस्टॉल्ट। ठीक है, जेस्टॉल्ट टर्म को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया? एल्ब्रेस्ट पैंक के। ये टर्म याद रखना, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं आजकल। तो इन्होंने ये बोरो कहाँ से की? बोरोड फ्रॉम साइकोलॉजी इन ज्योग्राफी, साइकोलॉजी से ज्योग्राफी में लेकर आए थे। कौन? एल्ब्रेस्ट पैंक। इनके अनुसार ज्योग्राफी को इन्होंने क्या बोला? ज्योग्राफी क्या है? एक तरह से ब्रिज है, एक तरह से किसका काम करती है? ब्रिज का काम कर रही है। एक तरफ क्या है? नेचुरल साइंस है, इधर क्या है? नेचुरल साइंस। ठीक, एक तरफ क्या है? सोशल साइंस है। तो इसके बीच को ब्रिज का काम कर रही है कौन? ज्योग्राफी। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई? ये लाइन बोली गई एल्ब्रेस्ट पैंक के द्वारा। तो ये लाइन्स याद रखना, ये टर्म्स याद रखना, काम आएंगी, यहाँ से सवाल बनते हैं। जैसा कि हमने बताया, वोल्थर पैंक कौन थे? इनके बेटे थे, ठीक है, जिन्होंने क्या है, प्रेजेंट किया मेजर चैलेंज टू डेविस कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, वोल्थर पैंक का नाम भी याद रखना है। व्लादिमीर कोपेन, ये भी इनसे प्रभावित हुए, रशियन बोर्न जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, स्टार्टेड स्टडिंग वर्ल्ड क्लाइमेट ऑन द लाइन्स एडवोकेटेड बाय पैंक। अब देखिए, हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा था ना, यहाँ पर इन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की थी लैंडफॉर्म की स्टडी के बेस पर। तो इनसे ही प्रभावित हुए कौन? व्लादिमीर कोपेन। कोपेन का हम पढ़ते हैं ना, कोपेन का क्लासिफिकेशन, तो कोपेन भी किससे प्रभावित थे? एल्ब्रेस्ट पैंक से प्रभावित थे। ठीक है, ये कुछ नाम याद रखना है। ठीक है, एल्ब्रेस्ट पैंक के साथ हमने एडवर्ड सुएस का नाम भी लिया है, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताए हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक नाम आया है एल्ब्रेस्ट पैंक, फिर आया है एक नाम व्लादिमीर कोपेन। कोपेन के बारे में तो हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे ही। अब चलते हैं आगे। अब कुछ अदर, देखिए यहाँ पर हमारा जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी खत्म होता है इस स्लाइड तक।
अब कुछ और जर्मन ज्योग्राफर्स देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, जर्मन स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, यहाँ पर हमने अब तक क्या कौन कौन कवर किए हैं, एक बार आपको रैपिड रिवीजन करा देते हैं। देखिए, स्टार्टिंग की थी हमने किसे, ऑस्कर पेस्टेल से, ठीक है। अगर आपने क्लासेस देखी हैं तो स्टार्टिंग की ऑस्कर पेस्टेल से, फिर हम आए इसके बाद रिस्टोफन की तरफ। किन के किन को पढ़ा हमने, रिस्टोफन, फर्डिनेंड वोन रिस्टोफन। फिर हमने पढ़े कौन, रेडजेल साहब पढ़े। रेडजेल के बाद हमने फिर हेटनर पढ़े हैं। हेटनर के बाद आज हम क्या है, एल्ब्रेस्ट पैंक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ तक ख़त्म होते हैं, लेकिन कुछ और ज्योग्राफर हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला नाम आता है गरहार्ड स्कोट का नाम आता है, ठीक है। इनका नाम याद रखना, इन्होंने भी जर्मन स्कूल में क्या है, कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने किस फील्ड में दिया, ओशियनोग्राफी के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। ऐसे भी नाम आ जाते हैं कि इनमें से कौन जर्मन ज्योग्राफर नहीं है, तो आपको ये तो पता होगा, ऑस्कर पेस्टेल, रिस्टोफन, रेडजेल, हेटनर, एल्ब्रेस्ट पैंक, तो ऐसे नाम भी दे देते हैं, ठीक है। स्कोट का नाम याद रखना, इनका भी कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने मोशन, टेम्परेचर, सेलिनिटी, ओशियन डिपॉजिट, ठीक है, ये किससे रिलेटेड थे, ओशियनोग्राफी से रिलेटेड थे, ठीक है। ओशियन के ट्रेड रूट, सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई थी। स्कॉट ने क्या है, वर्ल्ड मैप भी बनाया, वर्ल्ड मैप, ठीक है, जिसमें ओशियन रीजन्स को इन्होंने प्रदर्शित किया था, ठीक है जी। तो इनका नाम याद रखना, गरहार्ड स्कॉट। फिर अगला नाम आता है वोल्टर क्रिस्टोलर। क्रिस्टोलर के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा, सेंट्रल प्लेस थ्योरी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्लासेस हमारी आगे बढ़ेंगी, तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फिर एक नाम आता है वोन थुनन का, तो वोन थुनन की जो क्रॉप इंटेंसिटी थ्योरी है वो पढ़ेंगे। क्रॉप इंटेंसिटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई, ये वोन थुनन के द्वारा दी गई, तो इस थ्योरी को भी हम याद रखेंगे, आगे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। कहाँ पढ़ेंगे इसको हम, एग्रीकल्चर में, ठीक है जी। इसके बाद एक नाम और आता है, होशोफर का नाम आएगा, ठीक है। ये उस टाइम की बात है, जियोपॉलिटिक्स चरम पर था, जब जियोपॉलिटिक्स, ठीक, होड़ लगी हुई थी यहाँ पर, और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड आपको पता ही होगा, 1939 से लेकर 45 तक। तो इन्होंने, होशोफर ने किसको सपोर्ट किया, एक तरह से ये इन्फ्लुएंस थे नाजी पॉलिसीज थे। तो जैसे ही नाजी हारे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो होशोफर को क्या है, यहाँ पर जेल हो गई, ठीक है, इनको ट्रायल के लिए भेज दिया, और 1946 में होशोफर ने क्या है, सुसाइड कर लिया था। किन्होंने, होशोफर ने, ठीक है। तो होशोफर का नाम याद रखना, किससे रिलेटेड है, होशोफर के बारे में अगर बता दें तो, इन्होंने क्या है, स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला। स्टेट को क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला। किससे प्रभावित थे ये हमने ये पहले भी पढ़ा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ा है, रेड जेल के टाइम पर पढ़ा है, ठीक है। अगर रिवाइज नहीं किया आपने, एक बार रिविजन कर लेना, तो रेड जेल के टाइम पर पढ़ा है। तो ये जो थ्योरी है, जो स्टेट को लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला गया पहली बार किसके, रेड जेल के द्वारा, उससे होशोफर भी प्रभावित थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, स्टेट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको जरूरत होती है किसकी, स्पेस की, ग्रो होने के लिए किसकी जरूरत होती है, स्पेस की जरूरत होती है स्टेट को, ठीक है, ग्रो होने के लिए। तो आप जितना बढ़ाओगे, ठीक है, ताकतवर, वही वाली लाइन कि स्टेट कब बढ़ेगा, जब, या ग्रो कब होगा, ठीक है, जब दूसरे को अपने में शामिल कर लेगा, ठीक है जी। तो ये नाम याद रखना है, गरहार्ड स्कोट, वोल्टर क्रिस्टोलर, वोन थुनन, होशोफर, ठीक है। होशोफर को याद रखना है, स्टेट से रिलेटेड थे, ठीक।
या आप इसे इनको अगर रखें तो रीजनल प्लानिंग में भी रख सकते हैं, ठीक। इसके बाद एमिल वोन सैडो, अब देखिए एमिल वोन सैडो का नाम कहाँ आता है, मैप मेकिंग एटलस में आता है, ठीक है। इनके काफ़ी मैप देखने को मिले हैं, एटलस देखने को मिले हैं, किनके, सैडो के, ठीक है, काफ़ी टाइम तक यूज़ किए गए थे। स्टीलर की बात करें तो स्टीलर भी किस में, एटलस इनके यूज़ किए गए हैं, ठीक है। फिर एक नाम आता है एच पैटरमैन, ये तीनों जो हैं ये रिलेटेड हैं किससे, एटलस और मैप से। तो पैटरमैन का नाम याद रखना है, ठीक है, इन्होंने क्या है फिजिकल एटलस प्रिपेयर किया था, पैटरमैन ने फिजिकल एटलस। तो यहाँ तक समझ आया जी। तो ये था हमारा जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पर हमने जो भी ज्योग्राफर थे, ऑस्कर पेस्टेल, रिस्टोफन, रेडजेल, हैटनर, एल्ब्रेस्ट पैंक, थोड़ा सा वोल्थर पैंक के बारे में भी जाना, ठीक है, गरहार्ड स्कोट, वोल्टर क्रिस्टोलर, वोन थुनन, होसोफर, एमिल वोन सैडो, स्टीलर, ए एच पैटरमैन। तो यहाँ आज हमारा जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास से क्लास नंबर 45 में हम क्या है स्टार्ट करेंगे फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। तब तक रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।